वेलकम इन्वेस्टर्स, अर्न विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 30 मार्च 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम केएसबी के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन हमें आने वाले दिनों में या आज आता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं केएसबी का मंथली चार्ट है और स्टॉक का अगर मंथली चार्ट हम गौर से देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस कोरोना करेक्शन के चलते लगभग 392 पे आया था और यहाँ पर स्टॉक ने और मंथली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया और यहीं से इसी के ब्रेकआउट पे एक अपसाइड मूव यानी 527 पे भी अगर हमने इसे बाय किया होता तो आज की डेट में 884 का प्रॉफिट हम देख सकते थे। अब इस मंथली चार्ट पे यहाँ पर जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, मैं टू हाईस को यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये डाउन ट्रेड यहाँ पर ब्रेक हुआ 709 पे और यहाँ से इस स्टॉक में अगर हम देखेंगे इस मंथली कैंडल को मंथ ऑफ मार्च तो इसने 724 से 889 का एक हाई प्राइस पे अभी तक ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस मंथली चार्ट को अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको एक रेड कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है जो कि लगभग 937 से लेकर तो 857 का है। ये एक हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई है बट ये सप्लाई उतना स्ट्रांग मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक की ये जो अपसाइड रैली है उसे ये रोक सकता है बहुत ज्यादा दिनों तक। तो यही चीज और यही प्राइस एक्शन को समझने के लिए हम चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वीकली चार्ट है और इस वीकली चार्ट पे ये जो आपको रेड कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है ये एक मंथली सप्लाई है। अब इस मंथली सप्लाई के अंदर यहाँ पर ये जो रेड लाइन दिख रहा है 881 से लेकर तो 938 ये एक वीकली सप्लाई है जो नेस्टेड है अपने मंथली सप्लाई के अंदर। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन कर चुका है और इसी के ब्रेकआउट पे स्टॉक ने एक अपसाइड जर्नी हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलेंगे हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे मीन्स डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं मैंने इस लो और इस लो को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है कि वीकली एंड मंथली बोथ ट्रेंड्स आर अप। अब चलेंगे हम लोअर टाइम फ्रेम पे मीन्स डेली चार्ट पे और डेली चार्ट को अगर हम गौर से देखेंगे तो ये जो वीकली ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था ये सेम ट्रेंड लाइन रिप्रेजेंट करता है डेली ट्रेंड को भी। तो कहीं ना कहीं वीकली एंड डेली एक यानी दोनों ट्रेंड एक साथ चल रहे ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये जो पूरा रेंज है ये वीकली एंड मंथली सप्लाई है और यहाँ अगर आप लास्ट 4 डेज को देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है बट बायर्स फिर से प्राइस को पुश कर रहे अपसाइड और स्टॉक लगभग 887 पे आ चुका। अब इसमें किस तरीके की स्ट्रेटेजी को हमें अपनाना चाहिए फॉर अ लॉन्ग ट्रेड के लिए। अब हमें यहाँ पर ये जो हाई है 895 का इसके ब्रेकआउट पे हमें इसे बाय नहीं करना चाहिए, दैट इज अ वेरी रिस्की ट्रेड हो सकता है। हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस पलट के अगर किसी तरह से यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है जो कि एक डेली डिमांड जोन है तो 814 से लेके तो 788 का ये जो एक डेली डिमांड जोन अगर आने वाले दिनों में प्राइस पलट के इस डेली डिमांड जोन में आता है तब जाके हम इस ट्रेंड लाइन और इस डेली डिमांड जोन का यूज करके यहां से एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 938 एंड उसके अबव टारगेट के लिए। तो ये था केएसबी लिमिटेड का डिमांड सप्लाई बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस। यह एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और आप अगर पहली बार इस हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।